बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस अरमान मलिक की पहली बीवी ने मांगा तलाक, कहती है सब छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी दोस्तों, पायल मलिक ने अपने व्लॉग में कहा है कि अब छोड़कर जाने को हूँ तैयार। यूट्यूबर अरमान मलिक ने दो शादियाँ की, पहली पत्नी पायल मलिक और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक, जिसके साथ बिग बॉस में अभी अरमान मलिक है और पायल मलिक बाहर है। और अरमान मलिक और कृतिका मलिक को कोई भी अंदाजा नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। बता दूं कि शादी के तुरंत बाद दोनों अलग अलग रहे और अब साथ रहती हैं। और अरमान मलिक के चार बच्चे हैं, पायल से तीन और कृतिका से एक। और जैसे कि आपको पता है, अरमान मलिक अभी दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस घर में गए थे, लेकिन पायल मलिक दूसरे हफ्ते में ही घर के बाहर हुई। और कृतिका मलिक और अरमान मलिक अभी बिग बॉस के घर में ही हैं, जो कि लोगों को खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार का बिग बॉस अरमान मलिक के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि दो बीवियों को लेकर आने से पहले फेमस थे, फिर एक बीवी के चक्कर में एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारना। जी दोस्तों, अगर चर्चा है इस बार की बिग बॉस में तो सबसे ज्यादा दो बीवियों वाले राजकुमार अरमान मलिक की है। और अरमान मलिक और कृतिका मलिक अभी तक घर में ही है और लोगों को खूब एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लेकिन पायल मलिक बाहर है और उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। और ट्रोलिंग से परेशान होकर पायल मलिक ने हाल ही में अपने ब्लॉग में अरमान मलिक से तलाक की बात की है। तो दोस्तों बता दूं कि आखिर पायल मलिक ने कहा क्या। पायल मलिक कहती है, मैंने इतने दिनों में इतना सब कुछ झेल लिया, इतनी ट्रोलिंग झेल ली है कि मैं परेशान हूँ। पायल मलिक कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने झेल लिया वो बच्चे ना झेलें, और बच्चे आगे जाकर मुझसे सवाल करें वो मैं नहीं चाहती। मैंने ये सोचा कि अरमान और कृतिका मलिक बाहर आ जाएंगे तो मैं अलग हो जाऊंगी, बच्चों को लेकर मैं निकल जाऊंगी। फिर आगे पायल मलिक कहती है, वो लोग अंदर हैं तो उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं लग रहा, लोगों को सच जानना ही नहीं है। तो मीडिया में बात चल रही है, उसी पर बातें हो रही है, मुझे और मेरे बच्चों तक को लोग बद्दुआ दे रहे हैं। फिर आगे कहती है पायल मलिक की, पर मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर रही हूँ कि मैं अरमान मलिक से तलाक ले लूँ। ये मेरी बहन है, बचपन से मेरे साथ रही है, मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरे घर के सामने रहती थी और इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 17-18 साल से हम साथ हैं। जब इसने मुझे देखा रोते हुए तो इससे रहा नहीं गया, इसने बोला कि तू मेरे घर चल, मेरे चार बच्चे हैं, पर जैद के बिना कृतिका मलिक नहीं रह सकती, मैं चार बच्चों को अकेले पाल लूंगी, लेकिन कृतिका नहीं मानेगी तो बात करनी होगी। हम तीनों में से तीनों अलग होंगे या दो अलग होंगे, या दो साथ रहेंगे एक अलग होगा अभी नहीं पता, या फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने इतनी बातें बना दी और सबको हमारा एड्रेस पता है, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। जी दोस्तों, ये पायल मलिक का कहना था। बता दूं कि पायल मलिक को इस ब्लॉग पर भी बहुत ट्रोलिंग मिल रही है। जी दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अरमान मलिक और कृतिका मलिक तो के अंदर तहलका मचा रहे हैं और पायल मलिक बाहर ब्लॉग डालकर व्यूज छाप रही है। और लोगों का कहना है कि ये दूसरे हफ्ते में बाहर आ गई थी तो ये व्यूज के लिए ये सब ब्लॉग बना रही है। जी दोस्तों, फैंस का लोगों का कहना है कि अगर आपको इतनी हेट मिल रही है, ट्रोलिंग मिल रही है, फिर भी आप ब्लॉग डालना नहीं छोड़ रहे, आप बच्चों के नाम पर भी सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, अंदर वो दो नाम बना रहे हैं और बाहर आप। जी दोस्तों, बता दूं कि फैंस यूजर्स लोगों का ये भी कहना है कि पायल मलिक को लाइमलाइट में रहना है, कभी तलाक की बात कर रही है, कभी बच्चों को बीच में ला रही है और धड़ाधड़ वीडियो डाल रही है और व्यूज गेन कर रही है, ऐसा छाप रही है। तो दोस्तों, पायल मलिक की तलाक वाली बात पर आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ महज पायल मलिक का ड्रामा है, जैसे कि ये व्लॉग में दिखाते हैं गेम खेलते हैं, ये भी एक टाइप का पार्ट है? क्योंकि इन्हें पहले से ही पता होगा ट्रोलिंग तो होगी ही, बिग बॉस में अगर आप जा रहे हो तो भैया आपकी ट्रोलिंग तो होनी है ही। बिग बॉस में ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं रहा जिसकी ट्रोलिंग नहीं, ट्रोलिंग के नाम से ही तो बिग बॉस जाना जाता है। बता दूं कि पायल मलिक पर लोगों की सिंपैथी बहुत, लेकिन जब बिग बॉस में जाकर उन्होंने विशाल पर आरोप लगाए थे, फिर उनके पति ने जब विशाल को थप्पड़ मारा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी सिंपैथी पायल मलिक की तरफ खत्म कर दी है और ये ट्रोलिंग का रूप ले चुकी है। क्योंकि पायल मलिक के लिए सबको बुरा फील हो रहा था कि भाई इनके हस्बैंड और इनके फ्रेंड ने इन्हें धोखा दिया, आपस में शादी कर ली, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पायल मलिक के लिए लोगों में सिंपैथी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर लोगों ने ट्रोलिंग में बदल दिया है। वो कहते हैं ना, कर्मा हिट यू बैक। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली के साथ यही हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं भी कहूंगा कि ट्रोलिंग करने वालों से प्लीज ट्रोलिंग से बच्चों को तो दूर रखें। बाकी अपनी राय कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक ड्रामा है तलाक के नाम पर, या फिर पायल मलिक सच में परेशान हो गई है? जैसे एक यूट्यूब के लिए इन तीनों में संगम बनाया था, क्या वही संगम अभी भी चल रहा है? ये सिर्फ व्यूज के लिए है, पॉपुलैरिटी के लिए है, या फिर सच में लेंगे पायल मलिक तलाक? तो दोस्तों, आपकी राय इसमें क्या है, अपनी राय कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।